एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यू वर्जन की बुलेट है, तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि पहले हमारा स्विच यहाँ होता था, अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए दिया है, ठीक है, और यहाँ से बंद होगा। और इस साइड में भी पासिंग के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इधर लाइट ऑन होगा, इधर पासिंग होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है मीटर भी डिजिटल कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं ये मीटर, ये हमारा बिल्कुल डिजिटल हो गया है। और इस देख पा रहे हैं ये बॉकेट, ये भी चेंजिंग कर दिया गया है। प्लस में इसके इंजन वगैरह जितने भी है सारा जो है दूसरे कैटेगरी का है, यानी कि इसको भी चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल न्यू वर्जन में है। वैसे रिम वगैरह का भी सिस्टम, हर ब्रेक चीज चेंज किया गया है, इस पॉकेट वगैरह भी परिवर्तन कर दिया गया है। पीछे से देखिए काफ़ी खूबसूरत बाइक है, और देख पा रहे इसके अंदर ये सब जो है हमारा नया वर्जन में फाइबर डाल दिया गया, जिससे कि बाइक काफ़ी खूबसूरत लगती है। और आगे से फ्यूचर मैं आपको दिखा दूं, आगे से भी इसका थोड़ा सा लुक ये जो है कंपनी से ही कर दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत बाइक है और न्यू वर्जन में है। तो अगर आपको बाइक लेना हो तो इस तरीके से आप न्यू वर्जन में ले सकते हैं। और मेन खासियत आपको सेंसर के बारे में बता दूं, इस साइड स्टैंड में अगर बाइक रहेगी हमारी इस तरीके से, तो ये हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। कभी भी आपका अगर सिंगल स्टैंड लगा हुआ होगा तो बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। और ये सब देख पा रहे हैं, ये जो हमारा यहाँ पर छोटा स्पॉकेट लगता है, यहाँ भी बिल्कुल इस तरीके से ढक दिया है, जो कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि एलंकी का बोल्ट होता है बुलेट में, ये घर पर नहीं खुलेगा। तो ये सब वर्जन चेंज कर दिया गया, फुटेज वगैरह भी सारा चेंज है, ठीक है।